हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल ऑफ हाउस ऑफ में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक डोसा की रेसिपी जो है रवा और पोहा की। तो यहाँ पे मैंने एक कप रवा लिया है और एक कप ही दही ली हूँ और हाफ कप मैंने यहाँ पे ली हूँ पोहा। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अभी आपको मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो देखिए, वापस से मैं एक बार बता देती हूँ, एक कप मैंने दही ली हूँ, एक कप रवा ली हूँ और हाफ कप मैंने यहाँ पे पोहा ली हूँ। पोहा आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, पतला वाला या मोटा वाला कोई भी। तो देखिए, इसका अभी हम लोगों ने मिक्सी में इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पीस कर, और ये जो आप देख रहे हैं ना कटोरी, इसी कटोरी से एक कटोरी पानी मैंने इसमें डाली थी, यानी कि एक कप पानी भी मैंने डाला है इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसमें हम लोग नमक डालेंगे और थोड़ी सी शुगर डालेंगे। मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर डाली हूँ ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स करके हम लोग अच्छी तरह से रख देंगे साइड में, क्योंकि साइड में रखने के बाद में ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तब तक हम लोग चटनी बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो कड़ाल चटनी होती है ना साउथ की वाली चटनी बना, इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ दो बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट के ली हूँ। सूखी मिर्ची जो कश्मीरी वाली होती है वो एक तोड़ कर ले ली हूँ मैंने, और तीन चार हरी मिर्ची ली हूँ, दो तीन जो तीखी वाली लाल मिर्ची होती है वो ली हूँ, और तीन चार कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। थोड़ा सा तेल मैंने डाली थी पैन में, और अब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर भून लूँगी इसके अंदर। फिर मैं एक टमाटर भी डालूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी मैं। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद में इसको ऐसे ही रख दें भूनने के लिए, धीरे धीरे ये थोड़ी सी नरम हो जाए। इसको कोई कलर वलर नहीं देना है हमको कि कलर वगैरह आ जाए। और फिर इसके अंदर मैंने डाली थी जो भुनी हुई चने की दाल होती है वो, और थोड़ी सी मैंने शेंगदाने डाले थे भुने हुए। आप चाहें तो शेंगदाना कच्चा वाला भी डाल सकते हैं या भुना हुआ भी। तो मेरे पास भुना हुआ रखा था ना, तो मैंने भुना वाला ही इसमें डाली हूँ। और इन सारी चीज़ों को अब मिक्स करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसके बाद में मैंने इसमें डाली थी टमाटर, तो ये एक बड़ी साइज़ की टमाटर थी, उसको मैंने इसमें डाल दी हूँ। और नमक डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें डाली थी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो देखिए ये कड़ी पत्ता है ना, इसको मैंने ऐसे ही डाल। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हम लोग ढक्कन से ढक देंगे इसको, और फिर इसको एक मिनट के बाद, देखिए मैंने अब खोली हूँ और स्पैचुला के मदद से जो टमाटर है ना उनको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं मसल दे रही हूँ। और ये इसको कोई ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको बस थोड़ा सा ये जो टमाटर है ना इसको बस थोड़ा सा ये जैसे भुना जाए, और फिर इसको हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर देंगे पूरा। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे पूरा ठंडा कर चुकी हूँ इसको, और अब इसको हम लोग मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी जार में, और इसको हम लोग एकदम महीन सा पीस लेंगे, जैसे इसकी पेस्ट बना लेंगे। और फिर इसको हम लोग देंगे तड़का, और तड़के में हम लोग यूज़ करेंगे सिर्फ राई और कड़ी पत्ता बस। और आप चाहें तो उड़द की दाल भी डाल सकते हैं तड़के में, बट मैंने नहीं डाली थी। और देखिए, अब यहाँ पे एक पैन में मैंने उसका पेस्ट बना ली थी चटनी का, और यहाँ पे जो पैन में मैंने थोड़ी सी राई डाल दी हूँ, और राई यहाँ पे चटकने लग जाएगी ना, तो मैं इसके अंदर डालूँगी कड़ी पत्ता। और बस यही है, इस मैंने यही तड़के में डाली थी और कुछ मैंने डाली नहीं थी। इसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और थोड़ा सा उड़द की दाल डालने से क्या होता है, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाता है इसके अंदर, बस वही है। और देखिए, अब मैंने इसमें चटनी डाल दी हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मेरा जो जार था ना, जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं अच्छा लगता है। तो अब देखिए, ये मेरा जो डोसा का जो बैटर हमने तैयार किया था ना, उसको मैंने एक बर्तन में निकाल ली हूँ, और इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो, बिल्कुल चुटकी भर 1/4 TSP जितना ही मैंने इसमें डाली हूँ। और इसको अब हम लोग करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद में फिर हम लोग इसको बहुत अच्छा मिक्स देना है आपको, नहीं तो जो बेकिंग सोडा है ना वो कहीं कहीं रह जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कर ली थी जो डोसा का तावा होता है ना उसको गरम, फिर उसको थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर उसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, टेम्परेचर उसका कम करूँगी, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं डोसा। और यहाँ पे पहले मैंने बनाया था थोड़ा सा स्पंज वाला डोसा जो होता है ना, थोड़ा सा मोटा वाला वो डोसा, और मैंने बनाई थी यहाँ पे जो पेपर डोसा होता है पतला वाला वो डोसा। मैंने दोनों डोसा यहाँ पे बनाया है इसी बैटर से। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी भी कि मैंने कैसे इसे बनाई हूँ, और
डोसा बहुत टेस्टी बनता है। ये इंस्टेंट डोसा है जो जल्दी से तुरंत बन जाता है, इसको कोई फर्मेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और झटपट से आप बना सकते हैं। जब तक आपकी चटनी बनेगी ना, तब तक ये जो बैटर है ना, ये अच्छी तरह से फूल जाएगा यहाँ पे। और फिर इस आप देखिए, यहाँ पे मैंने आप पलटी कर दी हूँ, थोड़ा सा बटर डाल दूँगी उसके ऊपर, और बटर डालकर अल्टी पलटी करके इसको थोड़ा सा सेक लूँगी। बस यही है, अब रेडी हो गया है ये हमारा डोसा। अब इसको निकालूंगी, और मैंने आपको बताई थी कि पेपर डोसा भी मैंने ऐसे बनाई थी ना, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पेपर डोसा भी। तो देखिए, ये फर्स्ट डोसा यहाँ पे बनकर रेडी है, और इसको पहले सर्व कर दूँगी मैं, पहले दे दूँगी अपने बेटे को, खाएगा वो। और ये वाला सेकंड वाला भी मैंने डाल दी हूँ यहाँ पे। तो मैंने पहले स्पंज डोसा ही सब मैंने बनाई थी, और इसके बाद में मैंने कुछ जो पेपर डोसा होता है ना, वो मैंने बनाया था। तो देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा, सॉरी, गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं भी जिस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस वक्त गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, इग्नोर करिएगा। और ये देखिए, मैंने सेकंड डोसा डाल दी थी यहाँ पे, इसको भी मैं अच्छे से मतलब अलट पलट के अच्छी तरह से इसको सेक लूँगी। और ये अब रेडी है, और यहाँ पे देखिए, अब मैं बना रही हूँ जो हमारा पेपर डोसा है ना वो। तो पेपर डोसा के लिए कुछ नहीं, इसी बैटर को थोड़ा सा डालकर पतला करना है और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। जो पूरा डोसे का तावा है ना आपका, ये मेरा तावा अच्छे साइज़ का बड़ा तावा है मेरा, और इसके ऊपर ये जो डोसा का तावा है मेरा, तो इसको मैंने इस पर अच्छी तरह से फैला दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा जो बटर होता है ना, वो बटर डालूँगी, क्योंकि बटर डालकर ही ये जो पेपर डोसा है ना, ये अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये ऐसे भी टेस्टी लगता है। और अब देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से डोसे के ऊपर बटर को मैंने स्प्रेड कर ली थी, और अब ये भी रेडी है बिल्कुल भी। तो आज मैंने बस ये डोसे की रेसिपी आपके साथ में शेयर करी हूँ। तो देखिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे आज के व्लॉग में, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यही था आज का वीडियो, थोड़ा सा बिजी चल रहा है आज का दिन, इसीलिए कोई चीज़ मैं डाल नहीं पाई हूँ, बस यही मैंने डाली हूँ। और कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है डोसा और चटनी। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।